अच्छा सुन ना ब्रो, मैं ना अपने एक फ्रेंड से मिलाना चाहता हूँ तेरे को। है नया फ्रेंड SMP में? हाँ, SMP में ही है। देखना चाहेगा मेरे फ्रेंड को? हाँ 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 बिल्कुल, आपका फ्रेंड मतलब मेरा फ्रेंड, दिखाओ दिखाओ। ये देख मेरा फ्रेंड। है भाई, एक सेकेंड, ये फ्रेंड ये क्या है भाई, कैसे ब्रो, इम्पॉसिबल है ये कैसे फ्रेंड बन गया? तो ये हूँ मैं, और ये है एंडर ड्रैगन इन ओवर वर्ल्ड। और अगर आप माइनक्राफ्ट खेलते हैं या फिर आपको माइनक्राफ्ट की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको ये बात तो पता होगी कि एंडर ड्रैगन को ओवर वर्ल्ड में लाना इम्पॉसिबल है। तो फिर मैंने ये सब कैसे करा? ऐसी कौन सी चीज मुझे पता चल गई जिससे कि मैं एंडर ड्रैगन को ओवर वर्ल्ड में ले आया? तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो मैंने अपने एक दोस्त की लाइफस्टाइल SMP को ज्वाइन कर लिया। नहीं, टेंशन मतलब मैं कोई एंड फाइट करने के लिए ज्वाइन नहीं करा था, कोई और रीजन था ज्वाइन करने का, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। सो यार, सबसे पहले तो सर्वर में चलते हैं। ओके, तो मैं सर्वर में तो आ चुका हूँ। हेलो टेक्टोनिक, कहाँ पर है तू? अरे वो छोड़, आप कहाँ पे हो? मैं तो स्पॉन पर हूँ यार। ऑब्वियसली तो स्पॉन पे ही होगी। तू कहाँ पर है? मैं तो भी दूर हूँ, दूर हूँ, बहुत दूर। अच्छा अच्छा ठीक है, आजा आजा। और सुन भाई, मेरे लिए वो आर्मर और टूल्स भी लेके आना, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है, आ रहा हूँ मैं, स्पॉन पे आ रहा हूँ। एक सेकंड भाई, ये क्या है? व्हाट, दान पेटी? अरे वो, हाँ अरे वो ओनर ने रखी थी यहाँ पे दान करने के लिए सामान। अपनी औकात अनुसार दान करे। ओके, तो ये चेस्ट में काफी सारा सामान है भाई यार। आयरन का आर्मर मिल गया, डायमंड के बूट्स वगैरह है, टोटम है भाई, बहुत सारी चीज है यार यहाँ पर। तो ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है थोड़ी बहुत काम की चीजें ले लेता हूँ। ओके, तो मैंने सारी काम की चीजें ले ली। एक सेकेंड भाई, यहाँ पर एक भाई इन्विज बंदा है फुल नेदरराइट आर्मर में। व्हाट, अबे भाई टेक्टोनिक, भाई पल मारो इससे। अबे टेक्टोनिक सुन भी रहा है भाई यार? हेलो। हाँ हाँ कौन है भाई सर्वर में? अबे भाई एक बंदा मेरे पीछे पड़ गया है यार, वो इन्विज है फुल नेदरराइट आर्मर में। अरे भाग जाओ भाग जाओ। व्हाट, अबे भाई मार रहा है यार ये, भागो वहां से। शिट शिट भाई यार, मेरी हेल्थ कम हो रही है भाई यार। व्हाट भाई यार, इसने टोटम पॉप कर दिया भाई। अबे साले तू उधर हंस रहा है, इधर मेरा टोटम पॉप हो गया। व्हाट, ये अटैक क्यों नहीं कर रहे साले टेक्टोनिक? तू ये क्या घटिया मजाक करा अभी तूने मेरे साथ में? अरे भाई है वेलकम। अबे भाई ऐसे कौन वेलकम करता है यार। अच्छा चल ठीक है, ये सब छोड़ और मेरे लिए जो आर्मर और टूल्स लाया था वो मेरे को दे फटाफट। तो जब तक टेक्टोनिक मेरे को आर्मर और टूल्स दे रहा है, मैं आपको बता दूं कि भाई मैं इस SMP में आया क्यों। सो बेसिकली मैं इस SMP में आया हूँ सिर्फ 24 आवर्स के लिए, और इन 24 आवर्स के अंदर मैं जितने ज्यादा हार्ट्स कलेक्ट कर सकता हूँ इस SMP के अंदर, मेरे को उतने ज्यादा हार्ट्स कलेक्ट करने हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि मैं किसी को भी मारकर हार्ट्स नहीं ले सकता। ऐसे क्या देख रहे हो यार? ठीक है यार, हो जाती है गलती, बट यार सच्ची में ये बंदा मरना डिजर्व करता था। बताओ, मेरे साथ में मजाक कर रहा था। बट यार जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं जो है किसी को भी मार के हार्ट्स नहीं ले सकता, इसीलिए मैं जो है टेक्टोनिक का हार्ट उसे वापस कर देता हूँ। अब मैंने जोश जोश में तो बोल दिया कि मुझे 24 आवर्स के अंदर सबसे ज्यादा हार्ट्स कलेक्ट करने इस SMP में, बट भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हार्ट्स कलेक्ट कैसे करूँ, क्योंकि भाई मैं बंदों को तो मार नहीं सकता। इसका मतलब तो साफ है कि मुझे जो है बंदों को स्कैम करना होगा और उनसे हार्ट्स लेना होगा। सो यार मैंने सोचा कि क्यों ना एक गेम शो बना के बंदों के साथ में स्कैम किया जाए। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि इस टाइप के गेम शो के अंदर 50-50% चांसेस होते हैं। मतलब कि 50% चांस है कि तुम जीतोगे और 50% चांस है कि सामने वाला बंदा जीतेगा। एंड मुझे पूरा 100% चाहिए था कि मैं ही जीतू हर बार। सो यार काफी टाइम के रिसर्च करने के बाद में मुझे फाइनली एक ऐसी चीज मिल जाती है जिससे कि मैं बंदों को स्कैम करने वाला हूँ। मैं आ गया। आओ भाई टेक्टोनिक, आओ आओ। ये हालत, अरे ये हालत, वो थोड़ा गरीबी आ गई है, वो सब इग्नोर मार। ये क्या है? ये देख भाई, यहाँ पर मैंने एक सस्ता सा गेम शो बनाया है। वो भाई थोड़ा बजट कम था इसीलिए ऐसा बनाना पड़ा। हाँ हाँ वो लग रहा है। हाँ तो मैंने देखो यहाँ पर बुलाया हूँ एक गेम खिलाने के लिए, और इस गेम शो का नाम है KVGH, किल विलेजर एंड गेट हार्ट्स। बस अरे अरे अभी नहीं मारना यार, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। सबसे पहले मेरे को ये बता कि तूने कभी किसी विलेजर को मारा है? हाँ बहुत ऐसे मारा है। अच्छा तो कितने शॉट्स में मारा है? 2। ठीक है, अगर तूने इस विलेजर को 5 शॉट के अंदर मार दिया तो मैं तुझे अपने 5 हार्ट्स दूंगा। लेकिन अगर तू इस विलेजर को 5 शॉट में नहीं मार पाया तो तेरे को अपने 5 हार्ट्स मुझे देने होंगे। मैं क्यों नहीं मार पाऊंगा? अरे वो, अरे यार ये गेम का रूल है यार, तू ऐसा वो भी... अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके टेक्टोनिक रेडी है? फिर देख सिर्फ 5 शॉट मारने, ठीक है? चल स्टार्ट कर। 1, 2, 3, 4। अरे मर, 5। बस भाई हो गया हो गया हो गया हो गया। अबे एक और क्यों मारा साले? ये मारा क्यों नहीं? वो भाई हमारा थोड़ा स्पेशल विलेजर है। ये सब छोड़ भाई, देख तू गेम हार चुका है और अभी शांति से चल अपने 5 हार्ट्स मेरे को दे दे। अबे ये क्या, एक हार्ट दे रहा है भाई, पूरे 5 हार्ट्स दे। अबे नाटक मत कर, बाकी के बचे हुए हार्ट्स दे जल्दी चल।
ओके तो 15 हार्ट्स तो भाई ऐसे ही हो चुके हैं, आप बुलाते हैं अपने नेक्स्ट बकरे को। तो देखिए यश, ये जो है मेरा एक गेम शो है, KVGH गेम शो, किल विलेजर एंड गेट हार्ट्स। सो मेरे को एक बात बता, तूने कभी किसी विलेजर को मारा है? बहुत बार मारा है। अच्छा तो कितने शॉट्स में मारा है तूने उसे? 2 हिट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो सामने विलेजर है, अगर तूने इसे 5 हिट के अंदर मार दिया तो भाई मैं अपने 5 हार्ट्स तुझे दूंगा, लेकिन अगर तू इस विलेजर को 5 हिट में नहीं मार पाया तो तुझे अपने 5 हार्ट्स मुझे देने होंगे। हाँ तो रेडी है ना यश? हाँ तो चल भाई स्टार्ट कर। बस भाई बस यश हो गया। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि भाई यार ये कौन सा विलेजर है भाई जो कि इतना मारने के बाद भी नहीं मरा। सो आपको पता होगा कि नॉर्मली कोई भी विलेजर को हम 2 से 3 शॉट के अंदर इजीली मार सकते हैं। सो भाई ये कौन सा विलेजर है जो कि भाई 5 शॉट के अंदर भी नहीं मर रहा है? तो देखो भाई इस चीज का काफी सिंपल सा लॉजिक है। आपको पता होगा कि अगर कोई माइनक्राफ्ट का प्लेयर विदाउट आर्मर रहेगा तो उसे भी हम इजीली 2 से 3 शॉट के अंदर मार सकते हैं, लेकिन वही नॉर्मल प्लेयर अगर नेदराइट आर्मर में होगा तो भाई उसे मारने में हमें 15 से 20 शॉट लगेंगे। और यही सेम चीज हुई इस विलेजर के साथ में। अगर आपको नहीं पता तो जिस तरीके से माइनक्राफ्ट का नॉर्मल प्लेयर आर्मर पहन सकता है, ठीक उसी तरह जो विलेजर्स होते हैं वो भी जो है नेदराइट आर्मर को पहन सकते हैं। एंड जरूरी नहीं है नेदराइट आर्मर, बल्कि कोई भी आर्मर को जो है इजीली पहन सकते हैं। तो भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली एक विलेजर के सामने जो है आपको डिस्पेंसर रखना है और उसके अंदर आपको जो है नेदराइट का आर्मर डाल देना है, एंड बस वो डिस्पेंसर से आर्मर को थ्रो करना है और वो जो विलेजर है वो अपने आप ही वो नेदराइट आर्मर को पहन लेगा। एंड यही सेम चीज मैंने यहाँ पर भी करी, मैंने अपना आर्मर जो है इस विलेजर को पहना दिया। एंड मुझे ये चीज काफी अच्छी तरीके से पता थी कि SMP में बंदों के पास में पक्का उनके स्वॉर्ड के ऊपर फायर एस्पेक्ट लगा हुआ होगा, इसीलिए मैंने अपने इस विलेजर को पहले से ही फायर एस का पोशन मार दिया था जिससे कि ये जो है आग से जल के ना मरे। एंड ऐसे ही मैंने बचे हुए बाकी SMP मेंबर्स के साथ में भी ये स्कैम करा, एंड फाइनली मेरे पास में आ चुके हैं 30 हार्ट्स। बट मुझे सिर्फ 30 हार्ट्स तक का ही नहीं रुकना था, मुझे और भी ज्यादा हार्ट्स कलेक्ट करना था। और मैं सोच ही रहा था कि मैं और क्या स्कैम ऐसा करूं जिससे कि मैं बंदों से और ज्यादा हार्ट्स निकलवा सकूं। तो जब तक मैं ये चीज को सोच रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और या इसी वीडियो के नीचे आपको जो है एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा तो उसे भी जोर से प्रेस कर देना। एंड या गाइस मैं जो है 10K सब्सक्राइबर्स के भी बहुत ही ज्यादा क्लोज हूं, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड गाइस अगर आपने अभी तक का मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन कर लेना। सो या मैं सोच ही रहा था कि मैं और कौन सा स्कैम करके बंदों से हार्ट्स ले सकता हूं, और तभी मुझे पता चलता है कि इस SMP के अंदर होने वाला है एक मैजिक शो, और जो कोई भी उस मैजिक शो को जीतेगा उसे प्राइज में मिलने वाला है ड्रैगन एग, और ड्रैगन एग के साथ साथ मिलने वाले हैं 10 एक्स्ट्रा हार्ट्स। तो यार मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी जो है इस मैजिक शो में पार्टिसिपेट कर लूं। तो मैं उस मैजिक शो के अंदर एक ऐसा मैजिक करने वाला था जो कि करना इम्पॉसिबल है, एंड वो मैजिक करने के लिए मुझे जरूरत थी इलाइट्रा की। तो मैं फटाफट से मेरे दोस्त टेक्टोनिक के पास में चला जाता हूं और उससे जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड के कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं। हेलो। हाँ हेलो स्पोर्टू भाई, आ गया एंड से इलाइट्रा लेके? हाँ इलाइट्रा तो मैं लेकर आ गया। अच्छा सुन ना ब्रो, मैं ना अपने एक फ्रेंड से मिलाना चाहता हूँ तेरे को। है नया फ्रेंड SMP में? हाँ हाँ SMP में, ये देखना चाहेगा मेरे फ्रेंड को? हाँ 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 बिल्कुल, आपका फ्रेंड मतलब मेरा फ्रेंड, दिखाओ दिखाओ। ये देख मेरा फ्रेंड है भाई, एक सेकेंड, ये फ्रेंड ये क्या है भाई, कैसे ब्रो इम्पॉसिबल है ये कैसे फ्रेंड बन गया? तो टेक्टोनिक का रिएक्शन तो आप लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं कि बाकी SMP मेंबर्स का और ओनर का क्या रिएक्शन होता है। तो गाइस अब जो मैं आपको मैजिक दिखाने वाला हूँ ये शायद ही किसी माइनक्राफ्ट प्लेयर ने करा होगा, क्योंकि इसे करना इम्पॉसिबल है। तो अब मैं इस ऑब्सीडियन के ऊपर रखूंगा एंड क्रिस्टल और होगा मैजिक। भागो भाई इधर से। सो या अब बाकी SMP मेंबर्स के होश उड़ाने के बाद शायद से मुझे अभी आपको बता ही देना चाहिए कि मैंने एंडर ड्रैगन को ओवरवर्ल्ड में कैसे लेके आया। सो देखो सबसे पहले एंडर ड्रैगन को ओवरवर्ल्ड में लाने के लिए हमें करना होगा एंडर ड्रैगन को ड्यू। सो सबसे पहले आपको एंड के अंदर जाके बेडरॉक के ऊपर एक लंबा चौड़ा टावर बनाना है वाई लेवल 200 तक। उसके बाद में गाइस आपको जो है कुछ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जो है ब्लॉक्स प्लेस करने हैं, एंड ये सब करने के बाद में आपको जो है एंड सिटी का जो गेटवे है उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाना है। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद में आपको जो है एंडर ड्रैगन को रिस्पॉन करना है। ड्रैगन को रिस्पॉन करने के बाद में आपको जो
सारे एंड क्रिस्टल को फोड़ना है, लेकिन जो वो एंड गेटवे जहाँ पर आपने प्लेटफॉर्म बनाया था बस उसके जो भी नजदीक में रहेगा ना एंड क्रिस्टल उसे नहीं फोड़ना है। एंड गाइस उसके बाद में आपको जो वेट करना है ड्रैगन के नीचे आने का, और जैसे ही ड्रैगन नीचे आएगा हील करने के लिए आपको फटाफट से बचा हुआ जो एंड क्रिस्टल है उसे फोड़ना है और इलाइट्रा से उड़ के आपको जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया था वहां पर जाना है। ये करने की वजह से जो एंडर ड्रैगन है वो जो है आपके पास आएगा आपको मारने के लिए, लेकिन आपको मारने के बजाय वो चला जाएगा एंड सिटी के अंदर। ये सब करने के बाद में आपको जो है ऊपर जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया था आपको वहां पर जाना है और आपको वेट करना है एक नए ड्रैगन के रिस्पॉन होने का। और जैसे ही एक नया एंडर ड्रैगन रिस्पॉन हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उस एंडर ड्रैगन को मार देना है। एंड उस ड्रैगन को मारने के बाद में आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा एंड फिर उसके बाद में आपको जो है एंड सिटी के अंदर जाना है और वहां पर जो है वो ड्रैगन अपने आप ही उड़ते उड़ते जो है एंड आइलैंड पे आएगा और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस उसे फॉलो करना है। एंड थोड़े टाइम के बाद में जो है वो ड्रैगन एंड आइलैंड पे पहुंच जाएगा और जब वो वहां पर हील करने के लिए बेडरॉक के ऊपर जाएगा तब जो है वो वहां पर फ्रीज हो जाएगा। एंड या देन उसके बाद में आपको जो है ना उस एंडर ड्रैगन को पिस्टन से मूव करके जो है उस पोर्टल के अंदर डालना है जिससे कि वो जो है ओवरवर्ल्ड में आ जाएगा। अब यार ये तो मैंने आपको काफी ज्यादा शॉर्ट में समझा दिया और हो सकता है कि काफी सारे बंदों को फेक लग रहा होगा और हो सकता है कि काफी सारे बंदे जो है इसे अपने वर्ल्ड के अंदर या फिर अपने सर्वर के अंदर ट्राई करना चाहते होंगे। एंड अगर आपको इस चीज के बारे में और भी ज्यादा अच्छी तरीके से जानना है तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एक वीडियो की लिंक दे दूंगा। एंड बेसिकली उसी बंदे ने जो है इस ट्रिक को ढूंढा था एंडर ड्रैगन को ओवरवर्ल्ड में लाने के लिए। सो या आप मेरी वीडियो देखने के बाद में उस बंदे की वीडियो को भी जरूर से चेकआउट करना। सो या अब आपने ये तो देख लिया कि एंडर ड्रैगन ओवरवर्ल्ड में कैसे आया, अब ये देख ले कि भाई इस मैजिक शो का विनर कौन बना। अरे भाई ये क्या कर दिया, फोन में भाई ड्रैगन ला लिया, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया तो तुमने। भाई यार मैजिक से लेके आया है ड्रैगन को, मैजिक शो था तो मैंने मैजिक करा। ये लो अपना प्राइस लो। वेट मैं जीत गया। हाँ ऑफ कोर्स। ओ भाई थैंक यू यार, इलीगल काम कर दिया तुमने ये चीज भाई, लेकिन याद से ड्रैगन मार देना। सो या अब मेरे पास आ चुका था ड्रैगन एग प्लस 10 एक्स्ट्रा हार्ट्स एंड इन टोटल मेरे पास हो चुके थे 40 हार्ट्स। लेकिन मुझे यहीं तक नहीं रुकना था, मुझे और भी ज्यादा हार्ट्स कलेक्ट करने थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं और भी ज्यादा हार्ट्स कैसे कलेक्ट करूंगा इस ड्रैगन एग को बेच के। सो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक चीज बताने के लिए बुलाया हूँ। सो बेसिकली मैं जो है इस एसएमपी में आया हूँ सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के लिए और 24 आवर्स के बाद में मैं जो इस एसएमपी से चला जाऊंगा, तो भाई मैं ये ड्रैगन एग का क्या अचार डालूंगा। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस ड्रैगन एग को बेच दूं, तो कौन लेना चाहेगा? मैं। तो देखो अब तीनों को भी जो है ड्रैगन एग लेना है, तो भाई इस चीज का एक ही आंसर निकलता है, मैं जो है इस ड्रैगन एग की बोली लगाऊंगा, जो भी सबसे ज्यादा हार्ट्स मुझे देगा ड्रैगन एग उसका। ठीक है, तो फिर ड्रैगन एग की बोली की शुरुआत होती है 6 हार्ट से। 10 हार्ट। ओके, तो रौनक की तरफ से आ चुके हैं 10 हार्ट्स, और कोई लगाना चाहेगा 10 हार्ट्स के ऊपर? 15 हार्ट्स। ओके, तो यश प्लेस ने बोला है 15 हार्ट्स, कोई है जो कि 15 हार्ट्स के ऊपर लगाना चाहेगा? 20 हार्ट्स। 20 हार्ट्स भाई साहब, रौनक की तरफ से आ चुका है 20 हार्ट्स, और कोई करना चाहेगा भाई? 20 हार्ट एक, 20 हार्ट दो, 29 हार्ट्स। 29 हार्ट भाई साहब, भाई ये ड्रैगन एग काफी ज्यादा महंगा हो चुका है भाई। 29 हार्ट के ऊपर और कोई लगाना चाहेगा? 31 हार्ट। 31 हार्ट भाई साहब, भाई 31 हार्ट एक, 31 हार्ट दो, 40 हार्ट भाई साहब। भाई मेरे को नहीं लगता कि भाई अभी 40 हार्ट के ऊपर और कोई देगा, लगता है कि ये यश प्लेस का ही ड्रैगन एग हो जाएगा। सो यार 40 हार्ट एक, 40 हार्ट क्या हुआ टेक्टोनिक? 42 हार्ट। व्हाट 42 हार्ट्स? तो भाई कोई है जो कि 42 हार्ट्स के ऊपर भी लगाना चाहेगा? ना भाई हम हार्ट होते हैं, हमको जाने दो। ओके, तो 42 हार्ट एक, 42 हार्ट दो और 42 हार्ट तीन, और इसी के साथ में ड्रैगन एग होता है टेक्टोनिक का। तो यार टेक्टोनिक फिर डील कर ले। यस सर। ठीक है, तो भाई यार मेरे को हार्ट दे दे तू और ड्रैगन एग ले ले। ये लो। ओ भाई 42 हार्ट्स भाई, एग दो फटाफट। ये ले भाई तेरा ड्रैगन एग, जा चाट उसको। ओ भाई। ओके, तो सारे हार्ट्स को क्लेम कर लेते। ओ भाई 42 हार्ट्स, लेट्स गो। सो इसी के साथ मैंने कंप्लीट कर लिया अपना चैलेंज 24 आवर्स के अंदर सबसे ज्यादा हार्ट्स कलेक्ट करने का। तो अगर आप में से कुछ बंदों ने नोटिस करा होगा तो मैंने अपने थंबनेल के ऊपर जो है लापता एसएमपी का लोगो लगाया है, लेकिन भाई इस वीडियो के अंदर तो लापता एसएमपी का कहीं पर भी जिक्र ही नहीं हुआ। तो क्या इसका मतलब है कि मैंने आप लोगों के साथ में क्लिकबेट करा? बिल्कुल भी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई तूने क्लिकबेट नहीं करा तो भाई तूने थंबनेल में लापता एसएमपी का लोगो क्यों लगाया? क्योंकि ये एक एप्लीकेशन वीडियो थी टू ज्वाइन लापता एसएमपी। लापता एसएमपी को चाहिए एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर, और मैं उन कंटेंट क्रिएटर्स में से आता हूं जो कि अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। एंड वन मोर थिंग,
जो बंदा 24 घंटे के अंदर 10 हार्ट से 82 हार्ट कर सकता है वो बंदा कुछ भी कर सकता है। ओके ये थोड़ा ज्यादा हो गया बट यार तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यार ये जो है एक एप्लीकेशन वीडियो थी लापता एसएमपी में ज्वाइन करने के लिए। अब देखते हैं कि भाई मैं एसएमपी में ज्वाइन होता हूँ या नहीं होता हूँ। बट भाई आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपको क्या लगता है कि क्या मैं लापता एसएमपी में ज्वाइन हो सकता हूँ या फिर नहीं हो सकता हूँ, मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड या अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं लापता एसएमपी में ज्वाइन हो सकता हूँ तो नीचे कमेंट में नंबर 69 लिख देना। जितने ज्यादा कमेंट्स में 69 नंबर होंगे उतना मैं समझूंगा कि आप चाहते हैं कि मैं लापता एसएमपी में जाऊँ या फिर मैं लापता एसएमपी मैं जा सकता हूँ। तो या गाइस यही थी वीडियो। आई होप आपको वीडियो देखने में मजा आया। अगर मजा आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि जल्दी से जल्दी हमें 10K सब्सक्राइबर्स करने, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अरे यार अभी किसका मैसेज आया? व्हाट मैट्रिक्स।